देखो, अगर हम ट्रायंगल यूज़ करते हैं ए बी सी, एंड ट्रायंगल ए बी सी कौन सा एंगल यूज़ होगा? 30 डिग्री। टेन 30 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। टेन 30 की वैल्यू 1/√3, ये कितना है? कैपिटल एच। और ये कितना है? 9 मीटर। तो 9/√3 इज इक्वल टू कैपिटल एच फर्स्ट, है ना। अब आ जाए दूसरे ट्रायंगल में, एन ट्रायंगल ए बी डी में 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू डी बी अपॉन ए बी। 10 60 कितना है? √3। डी बी कितना है? स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। और ये कितना है? 9। तो 9√3 इज इक्वल टू स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। सेकेंड, कहाँ से वैल्यू उठा लें? फ्रॉम फर्स्ट। देखो, एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है सॉल्व होके फ्रॉम फर्स्ट। ये 9√3 ऐसे ही रहेगा, स्मॉल एच हमें पता नहीं है, कैपिटल एच की वैल्यू पता है 9/√3। रख दी वैल्यू, इधर ले आओ। तो ये 9√3 माइनस 9/√3 इज इक्वल टू स्मॉल एच। इसे रेशनलाइज करा लें। जब हम इसे रेशनलाइज कराएंगे, ये 9√3 ऐसे ही रहेगा माइनस 9√3, और ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करा लिया। तो 9√3 माइनस 9√3, और ये कितना आ गया? 3। ठीक है, 9√3 कॉमन ले लें तो बचेगा क्या? 1 माइनस 1/3। 3 से 9 भी कैंसिल कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9√3 3 माइनस 1/3 अब कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया? 3√3, और 3 माइनस 1 इज 2, है ना, स्मॉल एच। तो कितना आ गया? 6√3 आ गया स्मॉल एच। रूट थ्री की वैल्यू रख देना। और देखो, कैपिटल एच हम पहले ही निकाल चुके थे इस वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले में। 9√3 इसे रेशनलाइज करा लोगे तो कितना आ जाएगा? 9√3/3 यानी कि 3√3 आ जाएगा। वैल्यू रख देना √3 की, ठीक है। तो कैपिटल एच कितना आएगा हमारे पास? 3√3, और स्मॉल एच कितना आ गया? 6√3।